मुझे समझ में नहीं आता है कि भाषणबाजी देने के लिए तैयार और कानून पे बिल्कुल जीरो। इन हिज बेल मिल आउट ही पुट ऑल दैट प्रॉपर्टी उन्होंने ऑन ओनरशिप दी है सर, उन्होंने ओनरशिप दी है। प्रेस स्पोकन टू द वेल, ये स्वामी रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? एक संस्था तैयार करेगा। अरे मालिक कहां से हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। उपरोक्त एक संस्था तैयार करेगा और मेरी उपरोक्त पाठक सभी साहब संपत्तियां। वहां पे जाके क्या होता है और कोर्ट में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर यहाँ हमने ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी ना, वो तो मालिक बन जाएंगे। आवर एप्लीकेशन इज ओनली टू इम्प्लीड हिम एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ वेल, और वेल में ओनरशिप मांग रहे हैं। नहीं दूंगा सर, बिल का एग्जीक्यूशन नहीं मांग रहे हैं। मत दीजिए बिल हैव सर। बीन फाइल ओनली टू आपको आपको राइट्स कहाँ, अरे आपके एलआर बनने के लिए राइट्स कहाँ तक चाहेंगे वो तो मैं डिसाइड करूंगा। स्टेड है वो कपिलेश्वर महाराज ट्रस्ट है, कपिलेश्वर महाराज भगवान है, भगवान जी है ना, उनके तो नाम से देखिए एक रजिस्टर्ड विल हुई है, कोई बात नहीं सर। उसके बेसिस में अब सारी कपिलेश्वर डॉक्यूमेंट्स। महाराज जी पूरी पिटीशन में से गायब है, क्रॉस टाइटल से। हाँ हाँ लिस्ट में मेरा एक दो नंबर में केस लगा है मेरा, सर, आपका एक और केस में, एक और केस में भी आपकी पुकार हुई थी सर। उसमें मेरा जूनियर अपीयर हुआ था। सर वो मेरे से बता ही नहीं पा रहे हैं कि विल के ऊपर क्या सरकमस्टेंसेस होते हैं, क्या ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है सर, एक और इशू आ गया सर, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। वो लिमिटेड इंक्वायरी का ऑर्डर मैं कर सकता हूँ, परंतु वो कह सर मैं तो कल 5 बजे तक बैठा था। तो मैंने कहा कि जब बैठे थे तो क्या प्रिपेयर किया ये भी बता दो। अब वो ब्लैंक, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाषणबाजी देने के लिए तैयार और कानून पे बिल्कुल जीरो। मैटर ये है मिलोर्ड के पर एकदम लेकिन डिस्केस। उसमें वो इशू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सर, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आश्रम। नहीं तो देना नंद के नाम से एक जीप है मिलोर्ड, सर सर जीप के नाम आपने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें लिखा हुआ है कि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आश्रम। सुखदेवानंद जो थे मैनेजर थे, ही वाज द महंत। आप कपिलासिस आश्रम अमरकंटक मिलोर्ड, दैट जीप वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द आश्रम। सुखदेवानंद नेम अपीयर वॉज रिफ्लेक्टेड इन द आरटीओ रजिस्ट्रेशन मिलोर्ड। इन हिज विल मिलोर्ड ही पुट ऑल दैट प्रॉपर्टी उन्होंने ऑन द ओनरशिप रजिस्ट्रेशन। दी है सर, उन्होंने ओनरशिप दी है। प्रेस स्पोकन टू द वेल, ये स्वामी रहेंगे, ये कैसे हो सकता है नहीं तो वी आर नॉट क्लेमिंग टू बी द ओनर मिलोर्ड, सर। जब ऑल दैट वी आप वॉन्ट इज नो सर, जब जिस विल के ऊपर आप अपना वो चाह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, उसमें तो आप स्वामी बने हुए हैं और उस प्रॉपर्टी तो वो उसकी ओनरशिप बिल रहेगी में सारी प्रॉपर्टीज का रेफरेंस है, सर। एंड देयर इज स्वामी आल्सो अ रेफरेंस कि मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे वो। सर प्लीज आप उसमें विल जरा देख लीजिए, ये यस इनका स्वामित्व हक पे रहेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। पहले तो मैंने उनसे यही पूछना शुरू कर दिया कि 5 बजे तक कल बैठे थे तो क्या पढ़ा था। हमने इतना ही पूछ लिया कि विल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है और तो क्या लॉ है। वो ये भी नहीं बता पाए कि सर लिमिटेड इंक्वायरी तो हो ही सकती है, आप भेज दीजिए लिमिटेड इंक्वायरी के लिए विद रिगार्ड टू द जेन्युइननेस ऑफ द विल। प्रेजेंटेशन केवल यही था कि जीप जो थे टेंशन पे नहीं, दूसरा ये था मैंने कि जब इनको ये नहीं मालूम अब क्या पूछूं, तो मैंने पूछा प्रॉपर्टी किसकी, बोले आश्रम की है, आप देख लीजिए उसमें। अच्छा उसका केस नंबर क्या है सर, सीरियल नंबर, रोड 897 ऑफ 05 सीरियल नंबर सर 149 149। वेल इज एग्जिबिट एनेक्सर, व्हाट लोड उसमें वेल किस एग्जिबिट, बिल अच्छा वो एप्लीकेशन के साथ फाइल एप्लीकेशन किया के है, साथ, सॉरी दैट सॉरी। इज आईए नंबर 6902। इसमें इंटरनल पेज 2 पे है, हालांकि जीप हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड देयर इन, बट जनरल इज देयर। इन सभी संपत्तियों के अलावा यदि कोई चल अचल संपत्ति मेरे द्वारा छूट गई हो, वह संपत्ति इस वसीयत नामक का भाग समझी जाए, और उस संपत्ति को भी मेरे मृत्यु उपरोक्त उपरांत मेरे संपत्तियों को स्वामित्व शिष्य अशोक कुमार दुबे के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अपना हक में रहेगा, अधिकार नहीं जतवाएगा। उसकी यदि ऐसा करता है तो दावा मेरे वसीयतनामे से गैर कानूनी और निरस्त समझा जाएगा। अशोक कुमार दुबे अपनी मर्जी अनुसार उपयोग व लाभ लेगा। उसके पहले ये लिखते हैं ये स्वामित्व मेरे स्वामित्व की है।
ऊपर आ जाइए पेज नंबर 1 पे, मेरे स्वामित्व की संपत्ति का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उससे ऊपर भी लिखता है मैं अपनी स्वामित्व की संपत्ति, इसमें आगे ये भी लिखा कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे संपत्ति को लेकर मेरे शिष्य और भक्त गणों में किसी। अब आप इसका इंटरनल पेज 2 पे आ जाएं, जो लास्ट मतभेद इसमें सर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ इंटरनल पेज नंबर 2 ऑफ दिस विल, मेरे वृद्धावस्था में मेरा शिष्य शिव कुमार दुबे सन सन मेरे साथ रहता है, वह मेरे साथ मेरे आश्रम में मेरी सेवा कर रहा है, आश्रम भी चला रहा है, मेरे सभी कार्य में सहयोग देता है। अशोक कुमार दुबे मेरी देखभाल व दवा पानी करता, मेरा संपूर्ण ख्याल रखता और इस सेवा भावी कार्य से मैं अत्यधिक खुश एवं प्रसन्न हूँ। उस प्रेम व स्नेह के एवज में मेरे स्वामित्व की उपरोक्त अचल संपत्ति मेरे अशोक के नाम इस वसीयत नामे पर लिखकर देता हूँ। वह मेरे मृत्यु पश्चात मेरी उपरोक्त सभी चल व अचल संपत्तियों का मालिक होगा। उपरोक्त एक संस्था तैयार करेगा। अरे मालिक कहाँ से हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। उपरोक्त एक संस्था तैयार करेगा और मेरी पाठक साहब वहां पे जाके क्या होता है और कोर्ट में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर हमने ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी ना, वो तो मालिक बन जाएंगे, इसलिए हम तो ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे और अल्टीमेटली अवेट होके खारिज हो जाएगी। इसमें हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं मिला क्योंकि दिस केस वाज ओनली रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग के लॉट। मैं कुछ नहीं कह रहा सर जीप के संबंध सर, कुछ नहीं कह रहा। वैसे भी जीप का कोई मतलब नहीं रह गया, 2005 का पहला ऑर्डर, 2007 का। अब आप ये देखिए, साल से ज्यादा की जीप हो गई, उसकी अब कोई वैल्यू रहेगी? आश्रम की संपत्ति को ये अपने मालिकाना हक में विल के द्वारा लेना चाहते हैं? नहीं, वी डोंट वांट दैट। अरे लिखा क्यों है इसमें? तो केवल आवर एप्लीकेशन इज ओनली टू इंप्लीड हिम एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ विल, और विल में ओनरशिप मांग रहे हैं। नहीं दूंगा सर, विल का एग्जीक्यूशन नहीं मांग रहे हैं। मत दीजिए सर, फाइल ओनली टू आपका, आपको राइट्स कहाँ, अरे आपके एलआर बनने के लिए राइट्स कहाँ तक चाहेंगे वो तो मैं डिसाइड करूंगा। अरे आपके केस को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं मिलेगा सर। नहीं, नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम विद दैट। और उसका नतीजा ये नहीं होगा कि पिटीशन आपकी वैसे खारिज हो जाएगी, एज अवेटेड होगी इन एब्सेंस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज ऑल। पिटीशन वाज ओनली रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी प्रोसीडिंग। सिविल कोर्ट का ऑर्डर है कि ये सारी प्रॉपर्टीज इनके नाम थी, नॉट फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो दैट द एंटायर प्रोसीडिंग इज इलीगल। तो क्या करना, विथड्रॉ करना? इसका खत्म भी होगा तो दे विल स्टार्ट विद दैट, विल अपीयर बिफोर देम, व्हाटएवर वी हैव टू डे। तो सिविल कोर्ट के ऑर्डर हैव ऑलरेडी अटेंड फाइनलिटी, वी हैव बीन डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देयर इज एन इंजंक्शन अगेंस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वी मींस वेदर आश्रम और सुखदेवानंद जी। सुखदेवानंद इज ओनली महंत ऑफ दैट आश्रम। बी मत द एंटायर प्रॉपर्टी जो है वो कपिलेश्वर महाराज की है। कपिलेश्वर महाराज जो जिस केस का मैं बता रहा था, कपिलेश्वर महाराज रजिस्टर्ड है वो, कपिलेश्वर महाराज ट्रस्ट है। कपिलेश्वर महाराज भगवान है, भगवान जी है, उनके नाम से एक रजिस्टर्ड विल हुई है। कोई बात नहीं सर, उसके बेसिस में अब कपिलेश्वर महाराज जी पूरी पिटीशन में से गायब है, क्रॉस टाइटल से। हाँ, इस पर केस में वो प्लीडिंग नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें इंप्रेस नहीं। पिटीशन के क्रॉस टाइटल से भी गायब है। विल में आपके एक स्वामी सुखदेवानंद जी ओनर बन गए और अशोक कुमार दुबे जी को ओनर बना गए, तो डीटी के नाम से थी। भगवान जी की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, भगवान की संपत्ति अपनी संपत्ति, उसमें इस केस में केवल कंसेशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट मुझे मतलब नहीं है सर। अगर मैंने प्लीडिंग वगैरह नहीं, अगर मैंने एप्लीकेशन अलाउ कर दी, यही आता हूँ। नहीं नहीं, नहीं। हाई कोर्ट ने अलाउ की है सर, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं है सर, अरे उसमें आपकी पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। ये आप ये बताइए, चाहे इनका जो भी सर, ये सर्वहाराकार है, मैनेजर है, जो भी है, इनके नाम के ऊपर पिटीशन कैसे हो सकती है जब ये इसके ओनर नहीं है? फाइल हुई है इनके नाम से मिलोट की, एंटायर प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगेंस्ट हिम। तो आप उनसे उनसे आपका ऑब्जेक्शन लगा, उसके खिलाफ थी इसलिए द एंटायर प्लीडिंग। तो आपको तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि साहब मैं थोड़े हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, ये प्रॉपर्टी तो भगवान जी की है,
तो आप उनको बनाइए थ्रू मेरे को, तब तो बात समझ में आती है। क्रिमिनल केस में कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग, मिलॉर्ड, जो ओनर रजिस्टर्ड रहता है उसके खिलाफ पूरी प्रोसीडिंग होती अच्छा, है। जो रजिस्टर्ड ओनर है, जीप जीप की जो रजिस्टर्ड ओनर था वो स्वामी सुखदेवानंद के नाम से था। ठीक है। अब स्वामी सुखदेवानंद कैसे आए, क्यों आए, दैट वाज नॉट रेलिवेंट, हाँ, नॉट बिकॉज वी आर रेडी ओनली ऑन दैट पॉइंट कि इंटायर प्रोसीडिंग इज इलीगल सर, बिकॉज द वो सर। प्रॉपर्टी अगेंस्ट विच दिस प्रोसीडिंग्स आर बीइंग सेड आर माय ओनरशिप प्रॉपर्टी एंड देयर इज अ डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट इन माय फेवर। फॉरेन डिपार्टमेंट हैज बीन इंजेक्टेड, वी हैव फाइल दैट डॉक्यूमेंट एट द रिकॉर्ड। ठीक है ना तो भाई इनका साहब, ठीक टोटल जवाब दावा भी यही है कि प्रोसीडिंग पेंडिंग, जो फैसला होगा उसके उसके अनुसार होगा। उसके बाद अब सिविल सूट का क्या होगा? तो उसमें हमें केवल प्रोसीडिंग पेसिंग की एप्लीकेशन सिविल थी, सूट का क्या हुआ सर? से कौन हमारे फेवर में डिसाइड हुआ है, सा ऑर्डर है? ये हमने फाइल किया है, दैट इज विद आईए नंबर 216, बचा क्या फिर पिटीशन में सर? इसी में है, सिविल 897 में, 2005 में। दिस इज आईए नंबर 2161 ऑफ 17, तो इसमें बचा क्या है सर? तो 13-217। इसमें बचा क्या फिर सर? तो जब हम पूरी प्रॉपर्टी के मालिक घोषित हो गए हैं, फॉर आई इंजेक्टेड, तो कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, दैट इज द ओनली क्वेश्चन मी लॉर्ड। क्योंकि आप सुखदेवानंद मालिक डाइड इन 2018, का, देवानंद जी की डेथ होती है 2018 में, और डिग्री क्या है सर? डिग्री ये है, वादी भास्कर धूम खसरा नंबर इतने थे, स्थित जालेश्वर पटवारी हल्का नंबर 600 अनुपुर का भूम स्वामी है सुखदेवानंद। वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के विरुद्ध शासक की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाता है कि प्रतिवादी गण वादी के भूम स्वामी हक को आधिपत्य, क्योंकि हमारी उपरोक्त कोर्ट बात का को भूम तो पर स्वयं अपने कार्यकर्ता या नौकर चाकर के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वीकार किया जाता। ठीक है, वो तो दूसरा जमीन है सर उसका है। इसी जमीन के संबंध में प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी आपने कब कहाँ से खरीदी थी सर जमीन? ना, जमीन आपने कहाँ से खरीदी थी? सुखदेवानंद जी ने कहाँ से खरीदी थी अपने नाम पे? सुखदेवानंद जी ने, जब आप खुद कह ये रहे हैं कि वाद आप, विवाद भूमि, ये आपके सेकंड बैक ऑफ द फर्स्ट पेज में, आपका वाद कहना विवाद है भूमि खसरा नंबर इतने इतने को विक्रय पत्र दिनांक भूमि खसरा इतने को रखते भूमि को रमेश लाल पिता शंकर लाल से दिनांक 24/2/99 को विक्रय पत्र क्रमांक इतने के माध्यम से वादी के द्वारा क्या किया गया था, जिसके आधार पर राजस्व न्यायालय वृत्त भेजरी द्वारा राजस्व प्रकरण इतना औजार चलो देखता हूँ के सर, माध्यम से भूमियों का स्वामी ऐसे नाम चलो देखते हैं सर। वैसे कर दिया गया था, क्योंकि इसके पास भी, एविडेंस नहीं वैसे था। भी उनकी डेथ हो गई है तो वो प्रोसीडिंग वैसे ही वो ड्रॉप हो जाएगी सर, इसी ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी। कहे यही क्वेश्चन कर दिया जाए मेरे को, कर तो दें सर, प्रोसीडिंग अब कोई बचा नहीं है, कोई बात इसको नहीं। अगर हाँ एलआर नहीं मानेंगे, वी आर ओनली एक्सपेक्ट कि जो प्रोसीडिंग है, तो ही बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेट सर, सुखदेवानंद, आपके ही साथ विल ही, बी अलाउड टू कंडक्ट द केस। आपके साथ ही पांच फिर बजे तक, ऑर्डर में आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि ओनर नहीं रहेगा, आश्रम की रहेगी या व्हाटएवर इट इज। आपके साथ ही 5 बजे तक बैठते हैं एवीसीडीओ को, पता नहीं रहता। और डायलॉग से शुरुआत करते हैं, मैं कल 5 बजे तक बैठा। आपने पूछा इसलिए मैंने अरे कहा, मैं आपके साथ ही की बिकॉज मैं बात तो कर इसको रहा क्लोज करके रखा था कि जो भी होगा देखा हूँ, जाएगा। एक डायलॉग मारते सर, मैं तो कल 5 बजे तक बैठा, जबकि मैं बैठे 4:40 तक था। 5 बजे तो हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बैठे हुए मैं तो आते ही नहीं हूँ। थे और फिर हमने कहा यार कल इतनी मेहनत की आपने, बता दो यार, हमें बुरा लग रहा है कि आप इतनी मेहनत किए कल नंबर नहीं आ पाए। टॉप ऑफ द लिस्ट वाले बैठे हुए हैं सर, तो वो बेचारे कुछ, केवल इसलिए खड़ा हुआ था। चलो ठीक।